किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है दोस्तों, कभी न हार मानने की आदत एक दिन जीतने की आदत बन जाती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धर्मेंद्र वर्मा और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल वर्मा टेक्निकल लर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। वीडियो को ज़रा सा भी पॉज मत कीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल पर आ ही गए हैं दोस्तों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करके सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान का पहला क्वेश्चन मैंने लिया है, छत्तीसगढ़ देश का खालिस्तान राज्य है, 25वां, 26वां, 27वां या फिर 28वां। राइट आंसर सभी लोग जानते हैं दोस्तों, बी नंबर आ जाएगा 26वां। सेकेंड क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन को एक बार पढ़ के डायरेक्ट का इसका उत्तर बताऊंगा दोस्तों, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है। हर वीडियो में 20 क्वेश्चन रहेंगे और इस सारे वीडियो को 1000 वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर को मैं कवर करने वाला हूँ, तो सारे वीडियो को एक एक करके आप जरूर देखिए। सेकेंड क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी है बिलासपुर, रायपुर या फिर जगदलपुर या फिर दुर्ग। राइट आंसर सभी लोग जानते हैं दोस्तों, रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी क्या है? रायपुर। थर्ड क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय है रायपुर में, बिलासपुर में, रायगढ़ में या फिर बस्तर में। करेक्ट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? बिलासपुर। ऑप्शन नंबर बी को आप लोगों को याद रखना है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कहां पर स्थित है? बिलासपुर में। अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का देश में कौन सा स्थान है? 17, 18, 19 या फिर 20। करेक्ट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 19वां। ऑप्शन नंबर सी को आप लोगों को याद रखना है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का देश में कौन सा स्थान है? 19वां। ऑप्शन नंबर सी को आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस किस दिन मनाया जाता है? 1 नवंबर, 28 अगस्त, 1 जनवरी या फिर 1 अप्रैल। करेक्ट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 1 नवंबर। छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस किस दिन मनाया जाता है? 1 नवंबर को। ऑप्शन नंबर ए को आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु है वन भैंसा, चीतर, भालू या फिर बाघ। करेक्ट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? वन भैंसा। छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु क्या है? वन भैंसा। ऑप्शन नंबर ए को आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का राजकीय पक्षी है पहाड़ी मैना, पहाड़ी कोयल, नीलकंठ या फिर मयूर। करेक्ट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? पहाड़ी मैना। ऑप्शन नंबर ए को आप लोगों को याद रखना है। छत्तीसगढ़ का राजकीय पक्षी क्या है? पहाड़ी मैना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष क्या है? साल, सागून, शीशम या फिर बरगद। राइट आंसर सभी लोग जानते हैं दोस्तों, साल, जिसे हम सरई के नाम से भी जानते हैं। छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष क्या है? साल। ऑप्शन नंबर ए को आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम किस राज्य में हुआ? खैरागढ़, रतनपुर, बस्तर या फिर रायपुर। करेक्ट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? खैरागढ़। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आएगा। छत्तीसगढ़ शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम किस राज्य में हुआ है, तो आंसर में आप लोग किसे टिक मार करोगे? खैरागढ़। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ शब्द का उल्लेख सरकारी दस्तावेज में कब हुआ? 1795 के बिलासपुर गेट टीटर और सेकेंड है 1795 की रायपुर गटेटियर और थर्ड है 1861 के अधिनियम में और फोर्थ है 1905 के बंग भंग आदेश में। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? ए नंबर आ जाएगा, 1795 के बिलासपुर गटेडियर। ऑप्शन नंबर ए को आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, छत्तीसगढ़ शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया था? पंडित सुंदरलाल शर्मा, दूसरा है दलपत राव और तीसरा है गोपाल दास या फिर रविशंकर। करेक्ट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? दलपत राव। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। छत्तीसगढ़ शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया था, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? दलपत राव। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम संकल्पना किसने की? राम गोपाल तिवारी, दूसरा है रत्नाकर झा, तीसरा है पंडित सुंदरलाल शर्मा और चौथा है पंडित वामन राव लाखे। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? सी नंबर आ जाएगा, पंडित सुंदरलाल शर्मा। पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना संकल्पना किसने की थी, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? पंडित सुंदरलाल शर्मा। ऑप्शन नंबर सी को आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य गठन की मांग विधानसभा में उठाने वाले प्रथम विधायक है। ऑप्शन
ऑप्शन देख लीजिए, पंडित श्याम चरण शुक्ल, दूसरा है डॉक्टर द्वारिका प्रसाद मिश्र, और तीसरा है नरेश चंद्र सिंह, और चौथा है डॉक्टर राधा कृष्णन सिंह। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, डी नंबर आ जाता है, डॉक्टर रामकृष्ण सिंह। छत्तीसगढ़ राज्य गठन की मांग विधानसभा में उठने वाली प्रथम विधायक है, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, डॉक्टर रामकृष्ण सिंह। ऑप्शन नंबर डी को आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किस सन में हुआ था, 1947, 1952, 1956 या फिर 1962। करेक्ट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, सा नंबर, 1956 को हुआ था। छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किस सन में हुआ था, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 1956 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ किस वर्ष तक मध्य प्रदेश का अंग रहा, 44, 45, 46 या फिर 47। करेक्ट आंसर सभी लोग जानते हैं दोस्तों, 44। छत्तीसगढ़ कितने वर्ष तक मध्य प्रदेश का अंग रहा, तो आंसर में आप लोग किसे टिक मार करोगे, 44 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य में शक्कर कारखानों की कितनी इकाइयां हैं, 1, 3, 2 या फिर 4। करेक्ट आंसर हमारा क्या आ जाता है दोस्तों, 4। ऑप्शन नंबर डी को आप लोगों को याद रखना है, छत्तीसगढ़ राज्य में शक्कर कारखानों की कितनी इकाइयां हैं, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 4। ऑप्शन नंबर डी को आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, नानघाट किस नदी के किनारे स्थित है, मनियारी, खारून, शिवनाथ, महानदी। आंसर में क्या टिक मार करोगे, शिवनाथ नदी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, नानघाट किस नदी के किनारे स्थित है, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, शिवनाथ। ऑप्शन नंबर सी को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, छत्तीसगढ़ के कृषि जलवायु प्रदेश है, उत्तरी पहाड़ी प्रदेश, दूसरा है छत्तीसगढ़ का मैदान, तीसरा है बस्तर का पठार, और चौथा है उपरोक्त सभी। तो आंसर में क्या आ जाएगा, डी नंबर आ जाएगा, यहाँ सभी। छत्तीसगढ़ के कृषि जलवायु प्रदेश है, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, उत्तरी पहाड़ी प्रदेश, और सेकेंड है छत्तीसगढ़ का पठार, और तीसरा है बस्तर का पठार। तो तीनों सही हैं। अगला क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, निम्न में से किस स्थान की मड़ई प्रसिद्ध है, नारायणपुर, जगदलपुर, कांकेर या फिर चारामा। राइट आंसर हमारा क्या आ जाता है, नारायणपुर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, निम्न में से किस स्थान की मड़ई स्थित प्रसिद्ध है, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या आ जाता है दोस्तों, नारायणपुर। ऑप्शन नंबर ए को आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, नवगठित छत्तीसगढ़ राज्य की मांग सर्वप्रथम 1924 में त्रिपुरा कांग्रेस अधिनिवेशन में किसने उठाई थी। ऑप्शन देख लीजिए, पंडित वामन राव लाखे, दूसरा है ई राघे वंद्रे राव, तीसरा है पंडित सुंदरलाल शर्मा, और चौथा है पंडित रविशंकर शुक्ला। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे दोस्तों कि इसका राइट आंसर क्या आएगा। आई होप दोस्तों वीडियो आप लोगों को यूजफुल लगा हो, तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मेरे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करके सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, साथ में आप बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस रखिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।